हेलो गाइस, मैं हूँ तुषार। आज हम आए हैं पानसरे नर्सरी में। ये नर्सरी महाराष्ट्र के कास्टीज गांव में है और पुणे से 90 किलोमीटर पे है और अहमदनगर सिटी से 60 किलोमीटर्स पे है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे प्लूमेरिया, यानी जिसको चंपा भी कहा जाता है, तो उस प्लांट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं इस नर्सरी के ओनर मिस्टर बाला साहेब पानसरे से। नमस्ते सर, नमस्ते सर। कैसे है सर? जी बढ़िया बढ़िया सर। हमने सुना है कि आप ऑल ओवर इंडिया में जो चाफा है, प्लूमेरिया है, इसमें बहुत मशहूर है, ये आपकी स्पेशलिटी है। जी, तो हम इस बारे में जानना चाहते हैं सर, जी, तो बताएंगे प्लीज। जी श्योर श्योर जी। प्लूमेरिया जो प्लांट है वो हमारा स्पेसिफिक प्रोडक्शन है। मतलब जनरली इंडिया में क्या होता है कि एक नर्सरी होता है, उसमें सब चीजों में वो बोलता है कि मैं 50 आइटम में काम करता हूँ, 100 आइटम में काम करता हूँ। तो हम ऐसा नहीं, हम स्पेसिफिक मास्टरी करी है प्लूमेरिया में। इसमें हमारे पास करीबन 32 वराइटीज है, जिसमें अलग अलग कलर्स है। कोई सेंटेड है, कोई डॉर्फ रहने वाला है, कोई टॉल जाने वाला है, कोई मीडियम हाइट वाला है। तो ऐसा करके हम ऑल ओवर वर्ल्ड से इसका कलेक्शन करें। तो उसमें नाम के हिसाब से बताए थे प्लूमेरिया आल्बा करके जो वराइटी है, जो इंडिया में मतलब जनरल लैंडस्केपिंग में यूज होता है। सिंगापुर डॉर्फ है, गोल्डन डॉर्फ है, इसके सिवा और अमेरिकन डॉर भी है हमारे पास। थाईलैंड के कुछ वैरायटीज है, इसके सिवा सुपर पिंक करके वैरायटी है, और ये जो है अपटुसा करके वैरायटी है। तो ऐसा सब मिला के 32 वराइटीज है अभी इसमें। और एक हमारा खासियत ये है कि इसमें हम छोटा 1 साल के पेड़ से लेके 10 साल के प्लूमेरियास तक प्लांट रखते हैं। जैसे आप देखेंगे तो हमारे पास एकदम जो 10 फीट का बनाया हुआ प्लांट है, एकदम कैनोपी रेडी है। मतलब आप लगाएंगे तो दूसरे दिन से वहाँ लगेगा कि ये 10 साल से पहले यहाँ से प्लांट लगा हुआ है। तो इस ढंग से लेके छोटा 1 साल के प्लांट तक हम बेचते हैं इसमें। और इसमें दूसरी एक खासियत क्या है कि कई चीज़ नॉर्मल कटिंग से नहीं बनती, उसका ग्राफ्टिंग किया जाता है। कई इसमें हम R&D भी कर रहे हैं, कोई हमारे हाइब्रिडाइज वैरायटी भी अभी मार्केट में आ रही है। तो इस ढंग से हम प्लूमेरिया में अच्छा खासा काम करते हैं।